का पुजारी देखो जिसका जैसे भावना होता है वो भगवान उसी अनुरूप दर्शन करता है। इसलिए कृष्ण के रंगशाला में प्रवेश की एक साथ में उनको स्वरूप में बाहर दर्शन प्रकट हो रहा था। जो मातृस्थानीय गोपियां थी वो तो देख रहे थे अभी दूध का दांत तक भी नहीं टूटे थे। जितने जोगी लोग थे वो देख रहे थे यही पर तत्व है। कंस देख रहा था निशंकात काल है। चारों मूर्ति देख रहा था निशंकात वज्र है। लेकिन वहां के लोग श्रृंगार कैसे थे जो भक्त देख रहे थे कि तो साक्षात श्री मदन मोहन है। ये मनमत का मनमत रूप है। इसलिए गुरुदेव ने कहा देखो जिसकी उड़ान जहां तक है ये बात की उड़ान सत्ता है ये बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे थे जिसकी जहां से वो उड़ान है वो वहीं तक ही उड़ सकता है। इसलिए उनका जो उड़ान है वो सखरस तक है। इसलिए उन्होंने सखरस तक उन्होंने देखा। लेकिन हमारी जो उड़ान है वो श्रृंगार रस तक है। इसलिए और श्रृंगार रस में वो सारे रस के श्रृंगार रस में होना है। इसलिए हमारा जो उड़ान है ना वो श्रृंगार रस गुरुदेव की बात होता है। देखो इसलिए पहला तरह की चीज खुशी होती है। इसलिए यदि श्री उद्धव जी यदि ये प्रेमानुर भक्त है ये भक्ति की अर्जी छोड़ दी उद्धव जी। जब उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों के प्रेम को देखा और उन्होंने गोपियों की और राधा रानी के प्रेम को देखा इनके हृदय में भी वो ब्रज रस की इनके हृदय में भी वो श्रृंगार रस की भावना उद्दीपित हुआ है। वो ब्रज गोपियों के महत्व को समझे। अगर जगत में कोई प्रेम है इसलिए उद्धव लाभ कर कहते हैं एता परा भूमिगोपा भूमिगोप गत्वा कृष्ण परवाह निर्गुणा। अगर जगत में किसी जीवन धारण करना सार्थकता है तो ये ब्रज गोपियों के हृदय में क्योंकि जो प्रेम को मैं स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर जी जो प्रेम को प्रार्थना करते हैं वो प्रेम। इसलिए उद्धव जी लास्ट में ये प्रेम को प्राप्त करने के कहां पर उन्होंने आश्रय दिया तो श्री क्रीड़ा गोवर्धन का आश्रय दिया। वहीं पर खास करके तपस्या कर रहे थे क्यों तो ब्रज भक्ति को जो गोपियों के भाव को प्राप्त करने के लिए हैं। और इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रघुनाथ दास विश्वनाथ कोई रति में देवी समझे में देवी कि लोग क्या कहते हैं बोले कि जब तक निवास देवी गोवर्धन भाव ये गिरिराज गोवर्धन है आप कृपा के ग्रह अपना चरण के निकट निवास हैं। श्री नारद जी जब उन्होंने अष्टलाली लीला को श्रवण किया इनके हृदय में भी वो गोपियों की भाव की प्राप्ति इच्छा हुई तो उन्होंने कहा बड़ा है यही पर गिरिराज गोवर्धन में आए और यही पर उन्होंने गिरिराज की तलहटी में उन्होंने देखा जब तक गिरिराज की कृपा नहीं होगा तब तक ये इच्छा कभी हमारी पूरी नहीं हो सकते है। इसलिए उन्होंने भी यही शरण लेकर के नारद के गोपी उन्होंने श्री सनातन गोस्वाम लगभग लगभग में थे। जब ये लगभग में थे तो ये गिरिराज गोवर्धन ने फिर भी परिक्रमा कर रहे थे कार्य किया है। इसलिए अभी प्रश्न है यदि जैसे उनको जनेऊ पहनाया जाता है इसलिए बहुत सारे दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता है। जैसे जो गिरिराज गोवर्धन है जैसे उनके जो श्रृंगार रस है वो जो लीला करते हैं जैसे गिरिराज अगर दूसरे रस में होता ना फिर तो वहाँ पर जो प्रबल बदन लीला वहाँ पर जो गौ का विलास कर रहे हैं वहाँ पर जो कुंज लीला कर रहे हैं और जो बासन की रास उन्होंने किया जो झूला लीला कर रहे हैं मधुपान कर रहे हैं जो नौका विहार कर रहे हैं जल विहार कर रहे हैं ये जो दृश्य कहाँ पर होगा तो श्री गिरिराज गोवर्धन में ये सारी लीला हुई है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमारी जो उड़ान है ना वहाँ तक हमारी उड़ान है कहाँ तक है गुरुदेव कहते हैं एक स्वरूप के गिरिराज है इस संचरण में भी है इनको बताया आपने गोस्वामी लोग लेकिन दूसरे स्वरूप में तो श्रृंगार रस में भी होते क्यों गुरुदेव कहते हैं
राम की सेवा में हर रस में सेवा करते हैं। बस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
तो नाग पर्वत की पूजा कर रहे हैं और ये मंत्र बोल रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई, बोले देखो इस बेचारे को जो मंत्र मिला वही कर रहा है। चलो वहां पहुंच गया, जाकर मैंने पूछा भाई आपको ये मंत्र कहां से मिला? इसको बोले गुरु जी ने दिया, लंबा समय आए थे उस समय राम मंदिर में प्रवचन हुआ था तो गुरु जी ने दिया था इसलिए। तो बहुत लोग आए थे और सभी लोग एक एक चटाई लेकर के आते थे, सब बिठा के जाकर के बैठते थे। बड़े मजे का रहे और एक जगह पर सब बेटा से सारे बैठ कर गया। मैं भी कहा भाई क्या मेला लग रहा है, सब सदत कर के सब बेटा से। अरे भाई आप विदेश से आए हैं, भारत से सब लोग प्रवचन सुनने को आए हैं, इसलिए सब बेटा से सिर पैर करके आ। मैंने कहा तो अब कहने का तात्पर्य यही था कि वहां पर बोले कि भाई हम तो अदृष्ट मंत्र जानते नहीं है, इसलिए पंचतत्व और महामंत्र जो गुरु जी से मिला है वही दे देता हूँ, वही बोलता। तो आप किस रूप में पूजा करते हैं इस पर्वत की? बोले कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। तो नागफन की तरह वो पर्वत बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, तो बढ़ता जा रहा है नाग पर्वत की कृष्ण कृष्ण मंत्र से कृष्ण के रूप में पूजा की। भागवत में जब देखेंगे शास्त्रों की बात आई तो शरीर समुद्र नदी समुद्र पहाड़ पर्वत जंगल वन पेड़ पौधे जो कुछ भी है हरे शरीर सब कुछ भगवान का शरीर। अतः पूजा किसकी हो रही है? भगवान की। और जगत देवी देवता की पूजा में तो भगवान ने कह दिया जितनी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ये सभी अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कह दिया। और जब गिरिराज जी को और कई पर्वत को कृष्ण मंत्र से पूजा की जा रही है तब भगवान क्या बोलेंगे? अविधि पूर्वक अथवा विधि पूर्वक। उस समय भगवान ये नहीं बोलेंगे अविधि पूर्वक बोला ये विधि पूर्वक। तो भगवान ने इसलिए गिरिराज जी की जो पूजा अर्चना आदि है सभी कुछ कृष्ण मंत्र में कृष्ण के रूप में ही पूजा जा रहा है। फिर भी सेवा के आदर्श को दिखाते हुए क्या दिखाया कि हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा कैसे हो तो सब प्रकार से सेवा कर रहे सभी रसों में, रस की कोई कमी नहीं दिया। यहां यदि हम बैठे हुए सभी माताओं से पूछे एक माताओं को हम देख एक मां को भी देख लिए उनके अंदर पांच प्रकार का रस मिल जाता है। शाम को भाव से अपने पति के साथ बात करना चाहती है, दास भाव से घर में सेवा करती है, पति के साथ सख्त भाव से हंसी मजाक दिलगी करना भी उन्हें आता है, भोजन बना कर जब खिला रही है तो अपने भाव स्नेह भाव आ रहा है। एक महिला के अंदर अपने पति के साथ पति पत्नी का जो मधुर समुद्र को भी जानती है एक माता बहन के अंदर में हम देख रहे हैं कि पांच भाव बैठा हुआ है उसके। फिर भी अपने पति के प्रति अपना एक पीछे भाव है। तो हर कोई व्यक्ति के अंदर में पांच भाव मनुष्य और वो क्या होता है समय समय पर व्यक्त होता है। तब गिरिराज जहां पर कृष्ण की सेवा का आदर्श दिखा रहे हैं तो उनमें कितने रस होंगे कितने भाव? ये पांच भाव हैं, वहां एक भाव है और भाव नहीं है ऐसा तो नहीं होता। सब प्रकार
अहंकार के भाव, पांच दुख भाव सबके अंदर, उनमें से कोई एक विशेष रूप से प्रकाशित होता है तब वो देखा जाता है। तो गिरिराज में सभी प्रकार के रस हैं, भाव हर्ष अद्भुत करुण रौद्र भयंकर विभत्स सभी, ये तो गौण है। गिरिराज को जैसे अभी महाराज बताया कि एक पहाड़ पर्वत आदि को कोई पुंगलिंग में नहीं और कोई स्त्रीलिंग में भी नहीं, देखा जाएगा तो संस्कृत ग्रामर के आधार पर क्लिपलिंग में आता है, क्लिपलिंग में ना पुंसक लिंग में आता, फिर भी ना पुंसक लिंग में जहां पर वर्णन होता है वहां पुरुष को प्राधान्य दे करके पुंगलिंग का वर्णन होता है। क्रियापद आदि सभी पुंगलिंग में बैठाया जाएगा, ना पुंसक लिंग का कोई क्रियापद होगा ही नहीं। कि जैसे हिंदी में करता है करती है खाता है खाती है यही लेकर के शुरू शुरू में हमें भी झगड़ा, पर तो यहाँ तो गिरिराज को खाती है खाता है ये तो नहीं बोला जाएगा, खाते है उंगली को भी देखा जाए। फिर क्या होता है, पुलिस आती है, पुलिस आती है, यहाँ पर शब्द लेकर के पुलिस आती है और कांस्टेबल आता है। तो यहाँ हिंदी जगत को हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे हमें कोई प्रापरपुत मिलेगा हमें बोले भाई ये सब नहीं मिलता है हिंदी में, अब ऐसे पढ़ते जाओ देखना आकार और ईकार का ही फर्क होता है, अब किसने आकार लगा और किसने ईकार लगा वही झगड़ा है, वही चक्कर है। अब पुलिस वाला का झगड़ा है, पुरुष आ रहा है तो पुरुष के लिए बोल रहे हैं कि पुलिस आ रही है, चलो कोई बात नहीं, अब तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है हिंदी में, और लिख के समझ भी बड़ा चक्कर होता है, क्रियापद बैठा के तुम्हें तो क्या करो उंगली तो कर रही है ये स्त्रीलिंग झगड़ा तो उचित है। पुरुष बोलते मेरी पत्नी, पत्नी बोलते मेरा पति, बोलते महिला बोले मेरा पति, पुरुष बोले मेरी पत्नी। चलिए ये शास्त्रों की बात है, गिरिराज ने स्वयं भगवत स्वरूप में हो करके भी अपनी सेवा का आदर्श दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों स्वरूप माने गए हैं, तो भी आराध्य के रूप में हमारे सामने भगवत रूप में, क्योंकि हम मंत्र बोल रहे हैं भगवान का कृष्ण स्वरूप। अब होता क्या है, अपनी बातों में एक बार देखता हूं क्या हमारे पास गिरिराज जी आ गए, पहले तो मैं बहुत शैतान था, हमेशा शैतानी बुद्धि रहती है मुझे, अभी कम था तो अब मैंने देखा शैतानी बुद्धि कम करने के लिए कम से कम कुछ रखना पड़ेगा, मैंने एक बच्चे के लाए जा एक फोटो काम करके ला टेबल पर रख कर इसकी खुल चंदन दूर जहाँ जो कुछ मिलेगा वही दे देंगे ठाकुर जी को। अच्छा वही करता रहा करते करते देखा एक ही रात लिखा है, एक नहीं दो दो की रात पहले की रात तो वो मधुर खंडे वहां कहीं नहीं है, ले अभी तक हम पूजा करेंगे एक जोड़े आ गए, अब जोड़े रूम में रहते हैं, अब जोड़े रहेंगे कि आगे रहेंगे वो जाए साथ में है तो है कोई बात नहीं है। पहली बार बंगाल में जब हम जाने गया जब हम गए थोड़ा लज्जा संकोच के कारण एक जगह एक घर में सिराने में टेबल के ऊपर रख लिया, सुबह स्नान तो कराता हूँ थोड़ा तुलसी दे देता हूँ बस हो गया, अब भोग नहीं कुछ भोग नहीं लगता। तो ऐसे हमारा सात दिन बीत रहा था, तो वहां से चार दिन बाद में मैं चला गया एक जगह, वहां भी गिर रहा था, तो रात को देखने लगा बहुत तीन बजे मुझे बोलने लगे क्या मुझे खिलाफ नहीं
ऊपर की तरफ देखा कि वहां दिन पर ज्योति जुलाई आप जुड़ जाएगी देख रही उनके बीच में अद्भुत ज्योति अभ्यंतरे श्याम सुंदर मतलब मैनेजर ने बोला तो बस मेरे साथ में एक बड़े बड़े ब्रह्मचारी सो रहे हैं उनने मुझको धक्का मारा बोला ये क्या आवाज कर रहे हो जल्दी से जल्दी स्नान कीजिए तो चलिए मंदिर खोलिए ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा अभी तब से मैंने देखा तो हुआ भोग लगाया मंगलारती किया भोग लगाया तब से ये सब सीखना पड़ा कि गिरजा जी को रखने पर भोग लगाना पड़ता है बिना भोग लगाए रखने से चलेगा नहीं गड़बड़ करते गुरु जी बोलते थे गिरिराजी रखना तो भोग लगाना ही पड़ेगा अनेक बार के साधक राम की पूजा हर कोई व्यक्ति कर लेगी पर गिरिराजी की पूजा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ये भी प्रत्यक्ष देखा गया मुरलम्बा में ऑस्ट्रेलिया मुरलम्बा में एक गिरिराजी को प्रदर्शन किया गोवर्धन गौड़ी तब वहां से वो परमात्मा महाराज आए बोले कि हमें एक गिरिराज चाहिए वहां गिरधारी गोवर्धन गौड़ी मठ नाम रखा मंदिर में एक गिरिराज शिला होनी चाहिए तो बाबा जी महाराज से बताया उन्होंने गिरिराज शिला ला करके दिया अभिषेक आदि करके पूजा करके ठीक भाग सब कुछ ठीक है बोले भाई दिया अब ऑस्ट्रेलिया के जगन्नाथ प्रभु जी आए तो उनके वहां पर जगन्नाथ प्रभु और लीला माता जी बेलो सब सेवा पूजा करते हैं खूब घुमाते हैं मैं जब गया बोले भाई ये गिरिराज जी को लेकर ही जाओ क्योंकि कस्टम वाले तो मशीन से छेद कर देंगे फाड़ देंगे गड़बड़ी तुम्हारे हाथ में यदि चला जाए तो चला जाएगा मैंने कहा अच्छा चलो सजा करके दे दिया लेकर के मैंने कहा ठाकुर जी है भगवान जी खड़ा पड़े मशीन मत लगाओ फड़ो चलो क्या देखना है देखो बोलता है तो खुद से देखा छोड़ दिया मैंने कहा चलो बचिए ब्रिजबेन पहुंच गया ब्रिजबेन से बोलेगी गोल पर तुम्हें अवन होना है तो एक जगह अवन करने के लिए पे लोग आएंगे ले जाएंगे गिरिराज जी का अवन करके हम लोग बैठे रहे पे लोग आएंगे इतना दूर गिरिराज जी पहुंच गए इंडिया से वहां जाकर के गोल पोस्ट से ले नहीं पाए गिरिराज जी को हम लौटा करके लाए फिर ब्रिज में नोट करके हम सिडनी पहुंचे और वहां से हम लोग फिजी में गए बोले चला गिरिराज जी को वहां बैठा के वहां जाकर के मूर्ति स्थापना आई फिजी में और गिरिराज जी का अभिषेक करके वहीं पर बैठा आज भी सेवा पूजा चल रही है पर ये मुरलम्बा वाले ले ही नहीं सके मैंने कहा भाई गिरिराज जी की पूजा करना इतना संभव नहीं होता है सबके लिए बंगाल के कोई लोग आए मथुरा मठ में चार गिरिराज शिला गिर गोवर्धन में बैग में भर लिया लेकर के तुरंत पे देख मथुरा में जाकर के उनका रिजर्वेशन है तूफान एक्सप्रेस में तो तूफान एक्सप्रेस में न बैठ करके बॉम्बे गोल्डन टेम्पल में बैठ गए बॉम्बे की गाड़ी टीटीआई चेक करके चले गए रिजर्वेशन में बैठे हुए और एक बार टीटी नहीं कोई बार आते हैं आठ दस बार कम से कम मुंबई पहुंचते पहुंचते आठ दस बार टीटी होता है
और गोल्डन टेम्पल में चले गए वो बॉम्बे, तब उनको अरे मैं कहा आया, हम लोग तो लौट कलकत्ता जा रहे हैं, अरे यहाँ कलकत्ता कहा टिकट कट, गीतांजलि में टिकट काट करके कलकत्ता पहुंचे, जाते घर में रोज दिन एक्सीडेंट होता है, रोज दिन एक्सीडेंट, कुछ न कुछ होता ही रहता है, गिरिराज जी की पूजा करने लगे पर पूजा ही नहीं करते। फिर क्या हुआ, जब हम जान में पहुंचे तब बेटो दौड़ कर गया, भाई हम परेशान हो गए, हमने गिरिराज जी को चली कैसे लाया था, पर हम पूजा तो कर रहे हैं, गिरिराज जी पूजा ही नहीं ले रहे, रोज दिन एक्सीडेंट परेशानी हो रही। मैंने कहा आपसे किसी को कहा नहीं, कोई गुरु जी से लिया नहीं, इस तरह के चोरी छिपे लाना भी उचित नहीं होता, जो किया किया अभी लाइए मेरे पास। तो वे चार गिरिराज शिला दिया है, लाने पर बंगाल में मंदिर में भेजा हमने लड़कों के द्वारा, दो मंदिर में दो दो करके दे दिया, आज भी सेवा पूजा चल रही है, और जबकि जो लेके थे उनके द्वारा सेवा पूजा नहीं हो पाई, कर नहीं सके, गिरिराज की पूजा ही नहीं की, इसलिए गिरिराज की पूजा करना इतना आसान नहीं है जितना सहज समझ रहे। कई गिरिराज पत्थरों के चारों ओर घूम करके आ गए, कितने टुकड़े कितने पड़े हुए हैं मतलब उठा के जाए, गिरिराज जाते हैं या नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है। गिरिराज जिनकी पूजा लेना चाहते हैं उनकी ले दो, बहुत से गोरे लोगों के पास भी देखता हूं कि छोटे छोटे गिरिराज रख लिए, भोग लगाते हैं पूजा करते हैं, और जगह देखा जाता है बहुत से चमत्कार देखा जाता है, इसलिए गिरिराज की पूजा करना बड़ा कठिन काम है, और वे मर्यादा के पक्के हैं, थोड़ी सी भी मर्यादा की इधर उधर हानि नहीं होनी चाहिए, और गिरिराज रहते हैं तो सब कुछ देते हैं, बस सबकी कृपा करते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई ये परिक्रमा चल रही है, हम लोग कैसे चला हमें पता नहीं, सुबह उठ करके जाओ महाराज आपकी दया, जो कुछ है आप ग्रहण करें प्रसाद करें, तो गिरिराज महाराज की कृपा है, गुरु जी की असीम कृपा है। कैसे हम देखते हैं परिक्रमा में, मतलब ये ब्रज परिक्रमा और नवद्वीप परिक्रमा में कितने कितने परेशानियां खड़ी होती रही, कहीं गड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, कोई लड़की गाड़ी के नीचे चली जा रही है, क्या क्या हो गया, क्या क्या परेशानी आ रही। गुरु जी 2010 में आज 2017 परिक्रमा बराबर चल रही है, और हम लोगों को डर भाई उसी बात का रहता है, कोई कुछ खर्च हो जाए, कोई कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो इतनी बड़ी परेशानी को कौन झेले, कहां झेल पाएंगे हम सभी बच्चे। फिर भी गुरु की कृपा के कारण आदमी परिक्रमा चल रही है, और बड़े निर्विघ्न रूप से चलता जा रहा है, तो ये गुरु जी की कृपा, राधा जी की कृपा, गिरिराज जी की महिमा, इतना ही हम लोग समझते हैं। हाँ, सेवा पूजा मर्यादा के साथ ये नहीं कि कुछ अवहेलना कर ले, अवहेलना वे पत्थर के रूप में देख रहे धूल मिट्टी में पड़े हुए, और उनके आज की पूजा हो रही है, लाखों करोड़ों व्यक्ति जो कि परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी सबके घरों में पूजा कर रहे हैं, गुरु जी बोलते थे जो कुछ नहीं चाहते गिरिराज जी किसी न किसी को उठे उनके पीछे घूमते हैं, और उनकी क्या इच्छा पूरी कर रहे ये भी देखते हैं, इसकी गुरु जी के अत्यंत अभीष्ट प्रिय ये गिरिराज जी। जब 2010 में यहाँ आए गोवर्धन में यहाँ गए, अंतिम समय में उन्होंने एक शब्द कहा,
मुझसे पूछा तो पग मुद्रा दिया बता जा रहा मैंने कहा परसों जा रहा हूँ कल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा परसों मेरा किरदार बोले अच्छा मैं भी चलूंगा मेरा किरदार में व्रत में आना सार्थक हो गया मैं यहाँ आकर के मैं खुश हो गया अब मुझे नवद्वीप जाना नवद्वीप में सबसे मिलूंगा और वही सबसे बिल्कुल तब मैंने कहा गृहजी इस समय नवद्वीप में भी ठंडक होगा पर जगन्नाथपुरी में अच्छा है गुरु जी बोले तो मैं ठीक बता चलो हम पूरी है अब बोले कि मगर नहीं सामान तैयार करो चलो पूरी है तो माधव महाराज जी बोले कि बोले भाई तुमने अच्छा गुरु जी को बता दिया अब गुरु जी तो बोले कि बोले अभी तैयार करो अभी चलो तो ये गिरिराज जी है गुरु जी गिरिराज जी में आए या आज के बने अपने को धन्य माना कि मैं खुश हो गया तृप्त हूं कि मैं मिल में आया तो इस प्रकार के रात्रि यहाँ पर मंदिर बनाते गुरु जी सब पूजा कर दिया क्या चाहते हो बताइए बोले छोटा सा एक भजन रोटी चाहिए एक कम है बोले अच्छा यही बनेगा तो छोटा सा भजन रोटी बना तो गुरु राज जी के तल हटी में हम लोग आज सभी लोग इसी में ही रह रहे हैं कितने जगह देखे हम कितने घूमे कितना घूमे हैं कितनी कितनी जगह कितने सस्ते में मिले किलो कुंड में 10 बीघा जमीन मिला है वो भी नहीं है कृष्ण सरोवर में नहीं है बड़ी बड़ी अरे हमें यही चाहिए मैंने कहा ये क्या गंदा पानी यहाँ देखा आपको क्या पसंद हो गया कैसे पसंद हो गुरु जी बोले अरे तुम जाते रहे मैं यहाँ पर भजन करता हूँ यहाँ पर एक कमरा था उसमें रह करके भजन करते बोले देखो मैं रहूं या नहीं रहूं मेरे नाम से ही बिकेगा अर्थात ये मैं आकर के भजन कर रहा था इसलिए ये पावन भूमि है अभी जो गेस्ट हाउस के गेट है उसके ऊपर जो कमरा सा लिए मैं यहाँ पे फिर गुरु जी बोले के बोले उस कमरे में भूत है तुम एक बार जाना तो भूत को भगा के आना कुछ सरसों पड़ करके चारों ओर फेंका हुआ और कुछ हम चाहिए हम लोग कुछ देखते तो नहीं हो थोड़ी सी गड़बड़ी तो है किंतु कुछ परेशानी नहीं हुई है मैंने कहा चल अब कोई नहीं आएगा फिर चिंता मत करो सरसों गुरु जी बोले कुछ कमरे को उड़ा देना मिटा देना रहे रखता नहीं है एक ईंट कर हटा देना यहाँ से बोला अच्छा ठीक है ठीक गुरु जी की कृपा से ये बदल बना जहाँ गुरु जी नित्य काल गिरिराज जी ने यह अवस्था